आज हम करेंगे प्राणायाम जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल कितने वायरसेस फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है वो है कोरोना वायरस। WHO ने बोला है कि आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत बना के रखना है, ताकि आप इस वायरस से लड़ सको। आज की वीडियो प्राणायाम से रिलेटेड है, ब्रीदिंग से रिलेटेड है। ब्रीदिंग से रिलेटेड मैं एक लॉजिक बताना चाहती हूँ आपको। आपने देखा होगा कि डॉग्स बहुत तेज़ी से ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, तो उनका लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है। पर कछुए को देख लो आप, उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 150 से 200 साल तक होता है, इससे भी ऊपर होता है। अब हम देखेंगे कि प्राणायाम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हो, जिस तरीके से वीडियो में आपको दिख रहा है। उसके बाद आप पद्मासन में भी बैठ सकते हो, इस तरीके से अपने दोनों पैर को एक दूसरे के ऊपर करके। और आप इस तरीके से भी बैठ सकते हो, अपने हील को अपने पेल्विक रीजन से टच करके दूसरे हील को इस तरीके से रख के बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रख के। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बैठ नहीं सकते तो आप प्राणायाम नहीं कर सकते। आप चेयर पे भी बैठ के प्राणायाम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। वैसे तो बहुत मुद्राज होते हैं, पर मैं आपको ज्ञान मुद्रा बता रही हूँ। आपको इस तरीके से अपने दोनों नी के ऊपर अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करके और तीनों उंगलियों को इस तरीके से रख के प्राणायाम पोजीशन में बैठना है। सबसे पहले करेंगे हम कपाल भाती प्राणायाम। सबसे पहले हम अपने दोनों नॉस्ट्रल से डीप ब्रीदिंग लेंगे। कपाल भाती में आपको श्वास को छोड़ने में, एक्सहेलेशन करने में ध्यान देना है। फोर्सफुली एक्सहेलेशन होगा, जो इनहेलेशन होगा मीन्स जो आप श्वास को लोगे वो पैसिव होगा, वो अपने आप हो। आप अगर बिगिनर हो तो आप 2 मिनट तक स्टार्टिंग में इस प्राणायाम को करो। उसके बाद अगर आप रेगुलर हो जाओगे तो आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक इसे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे सूर्यभेदन और सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी करने से पहले हमें इक्वल ब्रीदिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, और सूर्यभेदी करने के बाद भी हमें इक्वल ब्रीदिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो में ब्रीदिंग कर रही हूँ, दोनों नॉस्ट्रल से ब्रीद कर रही हूँ और दोनों नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट कर रही हूँ। ये सूर्यभेदी प्राणायाम करने से पहले आपको करना है और उसके बाद भी आपको करना है। सूर्यभेदी प्राणायाम को हम विष्णु मुद्रा के साथ करेंगे। इस तरीके से अपने फिंगर्स को रख के सबसे पहले दोनों नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, श्वास को लेंगे, और फिर राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ देंगे, एक्सहेल कर देंगे। इसी तरीके से हम 5 से 8 राउंड इसका करेंगे। इनहेल और एक्सहेल, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल प्राणायाम है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और सभी वायरसेस से छुटकारा दिलाता है। 5 से 8 राउंड के बाद हम फिर से अपने दोनों नॉस्ट्रल से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। ये हम सूर्यभेदी प्राणायाम करने से पहले करेंगे और करने के बाद भी करेंगे। जो राइट नॉस्ट्रल होता है, जो नाक की छिद्र होती है राइट साइड की, उसे हम सन से रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड को मून से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव मुद्रा के बारे में बताने वाली हूँ। ज्ञान मुद्रा के बारे में आपको बता दिया, अब मैं बता रही हूँ प्राण मुद्रा के बारे में। इसमें आपको अपने थंब से आपके रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को टच करना है
और आपके मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है। जैसे ज्ञान मुद्रा में हम अपने नी के ऊपर रखते हैं, उसी तरीके से प्राण मुद्रा में भी हम अपने नी के ऊपर उसी पोजीशन में रखेंगे। प्राण मुद्रा से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। आप इसे मेडिटेशन के टाइम भी यूज़ कर सकते हो, ज्ञान मुद्रा के प्लेस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्लीज़ प्रेस कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबा दे ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आजकल इसकी ज़रूरत सबको है। थैंक यू।